जेएनयू में चार साल बाद छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछला चुनाव 2019 में हुआ था, इसके बाद कोविड और अन्य कारणों से यहाँ चुनाव नहीं हो पाए थे। 22 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं और 24 को इसका रिजल्ट आएगा। इन चार साल के दौरान जेएनयू में कई सारी चीजें बदली है, एडमिशन का पैटर्न बदला है, अब यहाँ एडमिशन सीयूईटी के जरिए होता है। ऐसे में एक बात कहा जा रहा है कि इन चार साल के दौरान जेएनयू का चरित्र भी बदला है, तो क्या यह चुनाव उसका रिफ्लेक्शन होगा? उनका इस चुनाव को लेकर के क्या राय है, वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। इस 7 साल से जैसा कि हमको मालूम है और बाकी पिछले सालों से जेएनयू में लेफ्ट लीड यूनियन नहीं है, तो उस लेफ्ट लीड यूनियन से और केंद्र में जो बीजेपी सरकार है उससे छात्र हताश है, उसी छात्रा की हताशा को इस भीड़ में आई देखो तब्दील है। आज इस भीड़ में जेएनयू एनएसयूआई खड़ी है और वो इस बार कैंपस में छात्रों के मुद्दे के साथ आई है। छात्रों के जो भी मुद्दे हैं, जिस तरीके से स्कॉलरशिप में कमी आ रही है और जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जेएनयू सवाल उठते आ रहे हैं और भी बाकी सुरक्षा के लिए जेएनयू लेफ्ट के बीच में जो हिंसा होती आ रही है, उस सवाल का जवाब, उस समस्या का जवाब के रूप में भीड़ मुड़ी हुई है। जेएनयू को बदनाम करने की बीजेपी ने और केंद्र ने काफी सारी कोशिशें की है, लेकिन उनकी हर कोशिश जेएनयू के छात्र ने, जेएनयू की सोच ने नाकाम की है। लेफ्ट इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, देश की जो तमाम मुद्दे हैं कि किस तरह से एक पॉलिसी लेवल का हमला हम पर हो रहा है, रिसर्च में सीट्स काटे जा रहे हैं, रिसर्च में फंड काटे जा रहे हैं, मानव जैसे फेलोशिप खत्म कर दिए जा रहे हैं, हमारे दोस्तों को जो संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे उनको जेलों में डाल दिया गया है, उन तमाम सवालों को लेकर लेफ्ट इस बार चुनाव में आ रही है। आपको पता है जब 5 जनवरी को इस कैंपस पर हमला हो रहा था तो RSS के लोग इस कैंपस में घुसे थे, EVVP के बाहर के लोग इस कैंपस में घुसे थे, हर हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीट रहे थे, मार रहे थे। जेएनयू प्रशासन इस समय इतना निकम्मा हो गया है कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और जेएनयू जो बॉडी है, जो चुनके आती है छात्र एक दूसरे लड़ने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए प्रेशर ग्रुप के रूप में, वो भी इस बात से बिल्कुल नाकाम रही है। तो हमारा पहला मुद्दा तो ये होगा प्रशासन को थोड़ा टाइट करें, हम उनके गले की नस पकड़ के उनसे पूछें कि तुम अब तक कर क्या रहे थे और आगे क्या करोगे, और विजिलेंट रहते हुए स्टूडेंट कम्युनिटी को साथ में लेकर या इंश्योर करेंगे कि रेनोवेशन का काम अच्छे से हो, पहला। दूसरा, बराक कौशल खड़े होकर तैयार खड़ा है 1 साल से, बिजली वहाँ पहुंच गई है, पानी वहाँ पहुंच गया, बस वहाँ छात्र नहीं पहुंचा है, और बहाना क्या लगाते हैं कि उसकी दीवार का काम कंस्ट्रक्शन का पूरा नहीं हो रहा है। 1 साल से दीवार नहीं बनी है उस सोशल की, और जेएनयू जो यहाँ पे खुद को कहता था तथाकथित, उस पर पूरी दुनिया भर की बातें करने का समय है, पर उस दीवार की बात करने का समय नहीं। बराक कौशल का भूमि पूजन भी हमने किया था, इनॉग्रेशन भी हम ही करेंगे। इस कैंपस में अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा, आज बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, मगर उनमें से पहला इम्पोर्टेंट मुद्दा है महिलाओं का सेफ्टी, जिस वजह से आज GS कैश को लेके बात हो रही है। आज क्राइसिस इतना बड़ा हो चुका है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस, वो लेफ्ट हो या राइट, सारे ऑर्गेनाइजेशंस महिला के सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। और GS कैश, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो कि इस कैंपस में हुआ करता था, जिसको डिसमेंटल कर दिया गया था, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने का, उसको फिर से रीस्टैब्लिश करने का इस कैंपस में बात आ रहा है। आपने कहा कि कैंपस आए दिनों से काफी अनसेफ हो गया है, खासतौर पे महिलाओं के लिए, यहाँ पे हिंसा, बाकी जो लड़कियों से छेड़छाड़ एंड बाकी चीजें होती रहती है, तो ऐसे में आप अपने स्पेस को कैसे क्लेम करती हैं? इस कैंपस ने ये दिखाया था कि जब जब एक महिला के ऊपर अटैक होता है, और यहाँ पे सिर्फ महिला की बात नहीं हो रही है, आप अगर रीसेंट फेज में इलेक्शन के चलते हुए जो स्कूल GBMs हुई हैं, अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बात किए हैं, वो आपको दो चीजें बताएंगे। हर GBM में दो चीज हुआ है, एक महिलाओं के ऊपर गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, महिलाओं को हैकल किया गया है, दूसरा जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, जो दलित आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, उनको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर गाली दिया गया है। और इस कैंपस ने ये दिखाया है कि जब जब ये होता है किसी भी स्टूडेंट के साथ, यहाँ के तमाम सारे स्टूडेंट्स
सॉलिडारिटी में एक साथ होके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जेएनयू से भाजपा सरकार डरती है, डरती है, इसीलिए इतना प्रोपेगेंडा फिल्म, इतना नफरत जेएनयू के खिलाफ, जेएनयू में जो लोग पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के खिलाफ फैलाया जा रहा है। तो इतना डरते हैं वो लोग, क्योंकि अगर हाशिए पर के लोग पढ़ लिख पाए, अगर सस्ते में आके वो पढ़ लिख पाए, अगर वो अपने हक और हुकूक का बात करने लगे, ये सरकार बदलने में समय नहीं लगेगा, ये सरकार हिल जाएगा, इसको जाना पड़ेगा। और इसीलिए जो फांसीवादी सरकार चल रही है, जो फांसीवादी ताकतें आज महिलाओं पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर, तमाम सारे जो हमारे दोस्त हैं क्वियर कम्युनिटी के, इनके ऊपर जो जबरदस्त अटैक हो रहा है, इनको सवाल करना आ जाएगा और इस सरकार को, इस ताकत को, इस फांसीवाद ताकत को इस देश से जाना पड़ेगा। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू है, हम लोग देख रहे हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में बातचीत हो रहा है, तब कैसे डाइवर्ट करने के लिए उसी दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बोला था कि आपको तुरंत ही निकालना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, सब कुछ साफ साफ रखना पड़ेगा सामने, उसी दिन रात को हम लोग देखते हैं भाजपा सरकार कैसे पूरा मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए वो लेके आती है CA नोटिफिकेशन। तो यही बात है ना कि जब हमारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जब हम सवाल करते हैं कि जनता का पैसा कहाँ पे जा रहा है, ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो बीजेपी जैसे, बीजेपी क्लेम करता है कि वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, तो वो क्यों लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है? जनता जब ये सवाल करती है, जनता जब सवाल करती है कि आप इतना स्कीम बना के रखे हैं मगर आप जनता के लिए एक पैसा नहीं देते हैं, आप अपने एडवर्टीजमेंट में लगाते हैं ये सब पैसा, जब जनता ये सब सवाल पूछती है कि इलेक्शन के टाइम पे आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तब इस सवाल को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करवाया जाता है। ये कैंपस जो PWD स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग देख रहे हैं कि JNU एडमिन जो है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट एक एटीट्यूड लेके चल रही है। तो इस कैंपस को और एक्सेसिबल बनाना हर एक तबके के स्टूडेंट्स के लिए, हाशिए पर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सेसिबल बनाना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस कैंपस में लगातार फंड कट हो रहा है। हम लोग जब अपने प्रोफेसर्स के पास पूछने जाते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में क्यों कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही हैं, क्यों एकेडमिक पेपर राइटिंग कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रहे हैं, क्यों बाहर से प्रोफेसर्स नहीं आ रहे हैं हमको पढ़ाने के लिए, सेमिनार्स कंडक्ट करवाने के लिए, तो एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास फंड नहीं है। आप अगर JNU का ये देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो HEPA से वो लोन लेके रखा है, SL में फंड्स नहीं है, हमारे लाइब्रेरी में जबरदस्त फंड कट हुई है जिसकी वजह से 5 साल से वहाँ पे कोई नया किताब नहीं है, वहाँ पे कोई जो नया जो पीयर रिव्यू जर्नल है जिसको सब्सक्राइब करना पड़ता है उसको JNU ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, जिसकी वजह से मास्टर्स के स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आती है अपना रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। तो फंड का इशू बहुत अहम मुद्दा है और इस इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा GS कैश के साथ साथ, इस कैंपस को एक्सेसिबल बनाने के साथ साथ फंड कट रोकना, इस कैंपस में VIAC ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार के JNU चुनाव में पानी की समस्या, लाइब्रेरी और हॉस्टल की खराब स्थिति, स्कॉलरशिप, कैंपस में वायलेंस और महिलाओं के सेफ्टी जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोई सफर करता है तो वो बहुजन स्टूडेंट करते हैं, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो हम इस कैंपस में, हमारा पॉलिटिकल असर्शन है, हम इस कैंपस में सिर्फ जो बात करते हैं कि जो लेफ्ट और राइट दोनों बात करता है उनके लिए मुद्दा एक चुनावी मुद्दा होता है, उनके लिए जो स्टूडेंट का जो मुद्दा होता है वो चुनावी मुद्दा होता है, पर हमारे लिए वो मुद्दा मुद्दा के रूप में होता है, एक डिग्निटी के रूप में होता है, एक डिग्निटी के रूप में होता है, जबकि हॉस्टल का मुद्दा नहीं, हम उसको एक डिग्निटी के रूप में देखते हैं, पानी का मुद्दा डिग्निटी के रूप में देखते हैं, टेक्टाइल पाथ डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए जो क्लासरूम एक्सेस करने का जो सवाल है, जो क्लासरूम एक्सेस वो डिग्निटी का सवाल है, जो रोड पे चलने का जो सवाल है, फुटपाथ पे चलने का सवाल है वो डिग्निटी का सवाल है, और जो दूसरा संगठन है वो एक मुद्दा के रूप में देखते हैं, मुद्दा के रूप में देखने बताता है कि आप जो एक जो होता है कि एक कॉन्शियसनेस लैकिंग उनके अंदर, एक कमी उनके अंदर, वो चीज को समझ नहीं पा रहे। जिस तरह से
धंधा दूंगा। अगर कोई सामर्थ्यशाली देश किसी गुलाम देश का, किसी कमजोर देश का, किसी शोषित मुल्क का शोषण करता है, तो मैं हमेशा उस शोषित मुल्क के पक्ष में खड़ा होऊंगा। ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। आज कैंपस में 4 साल बाद इस 2024 के बसंत के महीने में चुनाव होने जा रहा है। जब हम देखते हैं कि 10 साल से एक निजाम ऐसी बैठी हुई है कि जो इस देश के सामाजिक ढांचों को, मूलभूत सामाजिक ढांचों को करने पर उतारू हो गई है। कहा जाता है कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। तसव्वुर कीजिए, अपने रास्ते से कोई नॉर्थ गेट के बाहर निकले और कोई सरसिरा अगर गोली मार दे तो उसका जवाब देही कौन होगा। ये सरकार से सवाल है। कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मार्केट बढ़ावा दे रहे हैं और विश्वास देखिए कि ये चुनाव भी लड़ रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। खैर, ये जेएनयू की डेमोक्रेसी है कि जो ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका देती है। सिर्फ हमारा खून नहीं बहता है, झारखंड में, बिहार में, तेलंगाना में, राजस्थान में, किसी गांव में वहां के लड़कियां लड़कियों का सपना भी उस मार्केट से मर जाता है। इसकी बात ये नहीं करते हैं, बात करते हैं कि आपका मुझसे कैंसर ठीक होता है, लेकिन आज भी हम साइंस और साइंटिफिक रिसर्च की पैरोकारी करते हैं यहाँ पर। प्लीज एड्रेस टू द चेयर। वो शर्जील ही था जिसने कहा था कि
सबसे पहले उसके साथ कोई आया तो अंबेडकर राइट्स थे, वो पापसा था जो सबसे पहले आया। मैं यहाँ पे मौजूद सभी को बता दूं, अंबेडकरवादी में ही ऐसी ताकत है जो हिंदुत्व तो फैसिज्म को भगा सकती है, जो तमाम को तोड़ सकती है, और किसी आइडियोलॉजी में ही ताकत नहीं है। रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की समस्याओं और उनके मुद्दों को उठाने के साथ फिलिस्तीन में हो रहे अमानवीय नरसंहार, किसान आंदोलन, इलेक्टोरल बॉन्ड, CANRC, नई शिक्षा नीति, हस्तेव आंदोलन, जातिगत भेदभाव और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। पिछले 4 सालों में जो JNU में घटित हुआ है, जो राइट विंग के द्वारा, जो भारत सरकार है उसके द्वारा, जो ABVP के गुंडों द्वारा जो JNU में हमले किए गए हैं बार बार, और उसके बाद में JNU कैंपस में या पूरे इंडिया में आप कहीं भी देख लो, ब्राह्मणवाद अभी भी बहुत ज़्यादा हावी है। ब्राह्मणवाद 70 साल से चला आ रहा है, 70 साल से क्या, आज़ादी के पहले से बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, और आज़ादी के बाद भी संविधान लागू होने के बावजूद इन लोगों ने कोई इस पे मुकाम नहीं किया है। और JNU जैसी यूनिवर्सिटी में भी अगर छात्र संगठन इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इस देश? JNU में छात्र संघ चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहे हैं। इस चुनाव में ABVP अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वामपंथ का गढ़ कहे जाने वाले JNU के किले को भेद पाएगी या लेफ्ट अपना दबदबा कायम रखेगा। JNU से सौम्य राज की रिपोर्ट। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।